मौजा स्वामी ने ग्रामी कदर हजरत उमर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत थी उसका इजहार आप उनकी बीमारी में भी देखते। खंजर लग गए, तवील बाब है, बात को मुख्तसर करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। खंजर लग गए, खून बह रहा है, पता चल गया अब मौत का वक़्त आ चुका है। कहा अम्मी आयशा के पास जाके कहना उमर आपसे एक गुजारिश करना चाहता है। उमर अमीरुल मोमिनीन मत कहना, माँ आयशा मेरा बड़ा लिहाज करती है, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म ना समझे। एक दरख्वास्त करना कि सारी ज़िंदगी उमर अबू बकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा। और खुद रसूलुल्लाह कहा करते थे अबू बकर उमर और मैं आए, मैं आया अबू बकर उमर आए, मैं आया अबू बकर उमर आए। मैंने ईमान कबूल किया, अबू बकर उमर ने किया। अबू बकर उमर मौजूद ना होते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बात पेश की जाती, रसूलुल्लाह उनकी अदम मौजूदगी में कह देते मैं मोहम्मद ने कबूल की, अबू बकर उमर ने कबूल की। उमर कहने लगे मैं अपने दोस्तों के साथ दफन होना चाहता हूँ। अम्मी आयशा को कहना अपने घर के अंदर थोड़ी सी जगह अगर मेरी बनती है तो दे दी जाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर लौटते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। ऐ उमर आपकी दरख्वास्त अम्मी आयशा ने कबूल कर ली है और साथ ये भी कहा है कि मैंने ये जगह अपने लिए रखी थी कि मेरा खामंद यहाँ पे दफन है, मेरा बाप यहाँ पे दफन है, वो अजीम खामंद के जिसने मेरे हाथ में अपने आखिरी दम को लिया। मैं चाहती थी मैं अपने बाप और खामंद के साथ दफन हो जाऊँ, लेकिन उमर आपकी ख्वाहिश ने मुझे अपना फ़ैसला बदलने पे मजबूर कर दिया। उमर ने कहा जब जनाजा हो जाए दोबारा अम्मी आयशा के हुजरे के बाद चारपाई को रखना। हो सकता है अम्मी आयशा ने दबाव के तहत अमीरुल मोमिनीन समझ के ये फैसला किया हो, ये फैसला कर दिया हो। दोबारा पूछना, दोबारा पूछने के लिए हुजरे के सामने जब चारपाई को रखा गया अम्मी आयशा ने हुजरे का पर्दा उठाया, कहा उमर को आने की इजाज़त है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने अपने कंधे के ऊपर एक हाथ को महसूस किया, मैंने मुड़ के देखा तो अली मुर्तदा खड़े हैं और कह रहे हैं मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नबी करीम से ये सुना था कि मैं आया अबू बकर आए उमर आए, मैं ईमान लाया अबू बकर ने ईमान कबूल किया उमर ने ईमान कबूल किया। अल्लाह की कसम मुझे यकीन था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह दुनिया में इनको इकट्ठा किया मरने के बाद कब्र में भी इकट्ठा कर देंगे। कौन गवाही दे रहा है? अली। ये बदबख्त है, इन्होंने लड़ाइयाँ बनाई मेरे भाइयों। और अफसोस की बात है, ये बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, अफसोस और दुख की बात है इस्लामी शायर इस्लामी अकीदे के बरखिलाफ मसले इस महीने में आप देखेंगे। मुसलमान मैयत का सोग इस्लाम में कितने दिन है बताइए? तीन दिन। हम आज हजरत उमर की सीरत तो बयान कर रहे हैं, उनकी याद को तो ताज़ा कर रहे हैं, लेकिन आप में से कोई ये कह सकता है हम उनकी बरसी उनका सोग उनका मातम मना रहे हैं? इस्लाम के अंदर मैयत का सोग मुसलमान मैयत का कितने दिन? तीन दिन। और एक ऐसा रिश्ता अल्लाह ने बना दिया जिसमें सोग की मुद्दत को बढ़ा दिया। अगर औरत का हामन फौत हो जाए इसका सोग तीन दिन नहीं है, इसका चार माह दस दिन सबसे बड़ा सोग अगर शरीयत में है तो इस औरत के लिए। और यह सोग की कौन सी किस्म है जी? 1400 बरस गुजर जाएं हर साल उन्हीं दिनों में सोग मनाना है, उन्हीं दिनों में मातम करना है, उन्हीं दिनों में नोहा करना है। ये बातें कोई मौलवी नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं अल्लाह के लिए। जो गैर मुतसब हमारे भाई हैं सोचे समझें गौर व फिक्र करें। तुम्हारी अपनी किताबों में भी मातम किस सन में आया इसी के ऊपर गौर कर लो। अगर ये शरीयत का हिस्सा होता तो सहाबा के दौर से हजरत हुसैन के साथियों के दौर से ही शुरू हो जाता। तुम्हारी किताबों के मुताबिक कब आया? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही समझ लो, जिसने नोहा किया रसूलुल्लाह ने कहा जो औरत नोहा करे गिरियादारी करे नोहा करे बालों को नोचे और तौबा के बगैर मर जाए मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश भी नहीं करूंगा। हर मुसलमान की एक मरतबा सिफारिश हो जानी है। गोया
रसूलुल्लाह ने अगली हदीस में जो ये कहा, जो गिरेबान को चाक करे, जो सीने को पीटे, अपने रुखसार पर थप्पड़ मारे, ये हदीस के अल्फाज हैं, वो उम्मत मोहम्मदिया का हिस्सा ही नहीं है। उम्मत मोहम्मदिया का हिस्सा होगा तो सिफारिश होगी ना, जब हिस्सा ही नहीं तो बात समझ आ गई, सिफारिश नहीं। जो बगैर तोबा किए नोहा करते हुए, मातम करते हुए, गिरेबान को चाक करते हुए मर गया, हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसको क्यामत के दिन तेजाब का लिबास पहनाया जाएगा। और दूसरी रवायात में क्या, आग का लिबास पहनाया जाएगा। तेजाब और आग में कोई फ़र्क नहीं, तेजाब से भी जिस्म जल जाता है, आग से भी जिस्म जल जाता है। मेरे भाइयों, ये बातें शरीयत और दीन का हिस्सा नहीं है। आप बताइए, जिस दीन इस्लाम के अंदर मुसलमान के खून का कतरा काबे से ज़्यादा कीमती हो, जो दीन खुदकुशी से मना करे, वो दीन अपने आप को मारने, अपने आप को पीटने, इसका क्या फ़ायदा है बताइए। चले अकली और मंतकी बात कीजिए, अपने आप को मारने पीटने, अपना खून बहाने का क्या फ़ायदा है? वो खून बहाना तो किसी जाके बैतुल मकदस को ही आज़ाद करा लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत।